चलिए आज हम लोग उस देश की विजिट करते हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे उन्नत माना जाता है, जिसने कभी परमाणु बम झेला था। यह हम बात कर रहे हैं जापान की। इंडिया से ड्रैग करते हुए चाइना साइड को एक छोटे से छोटे आइलैंडों में बसा है जापान। जापान की अधिकतर पॉपुलेशन देशभक्ति होती है और सबसे ज़्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन जापान में ही रहती है, इसलिए मैं जापान के एक रेंडमली शहर में क्लिक किया। रेंडमली शहर में क्लिक करने पर मैंने देखा कि काफ़ी हद तक यह इंडिया की तरह है। फिर मैंने उसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद मैंने सोचा कि जापान की राजधानी टोक्यो में ही कोई अच्छी सी जगह ढूंढी जाए। तब मैंने उसमें जा कर के क्लिक किया और क्लिक करते ही मुझे दिखा जापान की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, जिसमें इंडिया में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो नहीं होंगी और इतने टेक्नोलॉजी के मामले में जापान तो आगे है, जहाँ वेटरों की जगह रोबोट काम करते हैं। अब वहीं दूसरी जगह पर मैंने सोचा कि उस जगह पर क्लिक किया जाए जिसने कभी परमाणु बम झेला था, यानी हिरोशिमा। चलो हिरोशिमा में क्लिक करके देखते हैं कि आज उसका कितना विकास हुआ है। जब मैंने हिरोशिमा पे क्लिक किया और रेंडमली एक जगह पे मैंने स्ट्रीट व्यू ऑप्शन को क्लिक किया, तो देखता हूँ कि वहाँ भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और वहाँ भी रोड और सभी चीज़ें सुख सुविधाएँ एकदम कम्फर्ट जोन में हैं, जो इंडिया के किसी भी आम शहर से बेहतर है। इसीलिए जापान को एक बेहतर देश माना जाता है। और मैंने जब क्लिक किया तो क्या देखा कि वहाँ एक स्टेडियम भी है। आज मैंने गूगल पे ये भी देखा था कि जापान और इंडोनेशिया का क्रिकेट मैच हो रहा था, अर्थात धीरे धीरे जापान लोग भी क्रिकेट में इंटरेस्ट दे रहे हैं। जय हिंद।